बाल श्रम मजदूरी जागरूकता अभियान का किया शुभारंभ। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पल्लवी अग्रवाल ने दिखाई हरी झंडी। सभी जानते हैं कि देश में 6 वर्ष से 18 वर्ष से नीचे उम्र के बच्चों से काम लेना, काम कराना आए दिन मामले देखने को मिलते रहते हैं। इस कृत्य को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य और जिलों में बाल श्रम मजदूरी करना कानूनी अपराध मानते हुए नुक्कड़ नुक्कड़ लोगों को समझने के लिए एक अभियान का आयोजन किया, जिसे जनपद आगरा की असिस्टेंट लेबर कमिश्नर पल्लवी अग्रवाल ने पत्रकारों से रूबरू होकर बताया और आगरा की जनता को जागरूक करने के लिए नाटकीय कलाकारों के माध्यम से जिले के लोगों को लड़की और लड़कों को पढ़ाना लिखना जरूरी जिम्मेदारी है, पढ़ने लिखने से देश बढ़ेगा, शिक्षित होगा, छोटे बच्चों से काम करना कानूनी अपराध है, दंडनीय अपराध है। आगरा की जनता से ये अपील भी करी है कि अगर कोई छोटे बच्चों से कार्य कराता है तो विभाग को सूचित करे। नव भारत समाचार आगरा उत्तर प्रदेश से राजीव कंचन की रिपोर्ट। ना पूरा परिचय दीजिए। हाँ, मैं पल्लवी अग्रवाल, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हूँ। आज जो आयोजन किया गया प्रोग्राम का, उसके संबंध में क्या बताना चाहती हैं जनता को? आज हमने एक रथ यात्रा का प्रारंभ किया, जो कि जगह जगह जाकर चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट लोगों को जागरूक करेगी। चाइल्ड लेबर में यह है कि जो 6 से 18 साल के नीचे के बच्चे हैं, उनसे हमें किसी उनको उनसे कोई श्रम नहीं लिया जाना चाहिए। अगर कोई सेवा योजक या जो अभिभावक हैं वो इस तरीके के बच्चों से कोई भी कार्य करवाते हैं, तो उनको जो सरकार के प्राविधान है और जो विभाग के रूल्स हैं, उनसे जागरूक कराना ही इस रथ यात्रा का उद्देश्य है। अगर कोई ऐसा कार्य करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई बनाई? ऐसे सेवा योजकों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह आदेश है कि हर बच्चे को 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जो कि सेवा योजकों से ली जाती है। इसके अतिरिक्त उनके अगेंस्ट वाद दाखिल होता है, यदि यह प्रूफ हो जाता है कि वो करवा रहे हैं, तो उनको 3 साल तक की सजा का प्रावधान है और इसके साथ ही उन्हें 20 से 50,000 तक का जुर्माना भी देना होता है।